हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ सिंह लेक्चर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में वैद्युत अपघटनीय विलयनों के चालकत्व के बारे में डिस्कस करूंगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ई तथा ई नॉट में संबंध यानी कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध के बारे में डिस्कस कर लिया था, और जिसको मैंने नाम दिया था नेंसर समीकरण, और नेंसर समीकरण से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं नेंसर समीकरण से, उसके बारे में मैंने एक एक करके सबके बारे में बता दिया है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वह है वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। ठीक है, खेल बनाइएगा सभी, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, वैद्युत अपघटनीय, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व किसे कहेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व किसे कहेंगे। बोला जाता है कि यह जो वैद्युत अपघटनीय विलयन होता है, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का जो चालकत्व होता है, ध्यान देना मैंने क्या बोला, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का जो चालकत्व होता है उसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में? फिर इसके बाद कह सकते हैं कि यह जो आपका वैद्युत अपघटनीय विलयनों का जो चालकत्व होता है, चालकत्व सी बराबर 1/2 वैद्युत प्रतिरोध, और ये जो वैद्युत प्रतिरोध होता है इसको हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब इसका डिफिनेशन क्या निकल के आता है कि वैद्युत अपघटनीय विलयनों का जो चालकत्व होता है, ये कहते हैं वैद्युत अपघटनीय, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर के व्युत्क्रम के बराबर होता है, कैपिटल आर के व्युत्क्रम के बराबर होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, और एक चीज जानते रहिएगा कि यह जो आपका चालकत्व है, चालकत्व सी बराबर लिखा गया 1/ वैद्युत प्रतिरोध, यानी कि यह जो चालकत्व होगा, चालकत्व का जो मात्रक होगा वह प्रतिरोध के मात्रक का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। समझ में आया? तो अगर हम यहां पे बोले कि चालकत्व का मात्रक बराबर चालकत्व का मात्रक हो जाएगा यहाँ पे ओम इनवर्स। ठीक है, आया समझ में? चालकत्व का मात्रक कितना हो जाएगा, देखो आपका 1/2 वैद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, तो ये हो जाएगा चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स, या इसे बोला जाता है म्यू इनवर्स, इस टाइम म्यू बोला जाता है, म्यू
म्यू इनवर्स, ठीक है, आया समझ में इतना। और एक चीज जानते रहिएगा कि यह जो चालकत्व होता है, चालकत्व सी का एस आई मात्रक सीमेंस होता है। क्या होता है भैया? सीमेंस, सीमेंस होता है। अब तो आप लोग इसका परिभाषा तो बना ही सकते हैं, तो बोल दिया जाएगा परिभाषा इसका, परिभाषा हो जाएगा वैद्युत अपघटनी विलयनों का जो चालकत्व होता है उसको कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, और चालकत्व सी बराबर होता है 1/2 वैद्युत प्रतिरोध। यानी कह सकते हैं कि किसी वैद्युत अपघटनी विलयनों का जो चालकत्व होता है वह वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या होता है? बराबर होता है। आया समझ में? यहाँ से डेफिनेशन मैंने लिख दिया, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व सी वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या होता है? बराबर होता है। और मैंने बोला कि जो चालकत्व होता है, चालकत्व का जो मात्रक होगा वो क्या होता है? ओम इनवर्स होता है, या इसको पढ़ते हैं म्यू इनवर्स। या कह सकते हैं कि जो चालकत्व सी होता है उसका एसआई प्रणाली में मात्रक जो होता है वह क्या हो जाता है? आपका सीमेंस होता है। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से, फिर आगे चलें। नोट कर लीजिए भाई। अब इसके बाद हेडिंग बनाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और प्रतिरोधकता को कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? बोला जाएगा कि जब किसी विलयन, दिख रहा है ना, क्लियर? ठीक है, बोला जाएगा कि जब किसी, दिख कम रहा होगा ना या मार्कर कम चल रहा है थोड़ा सा, चलो इसको थोड़ा सही कर लें। यार देखिए ये वाला चल रहा है किसी से, हाँ ठीक, ये वाला ठीक चल रहा है। बोला गया कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयनों के बीच, या कह सकते हैं कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के जली विलयन में के जली विलयन में विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो, है तो उसके प्रवाह में, किसके? विद्युत धारा के, उसके प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य, वह दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य मध्य में उपस्थित उपस्थित वैद्युत अपघट्य के
वैद्युत अपघट के स्तंभों, वैद्युत अपघट के स्तंभों की लंबाई, स्तंभों की लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल ए के, उसके क्षेत्रफल कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको मैं आपको थ्योरी इसका समझा रहा हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले क्या कर लेना, कोई एक कंटेनर ले लेना, कोई एक पात्र, और उस पात्र में क्या कर लेना, दो इलेक्ट्रोड ले लेना, या कह सकते हैं कि दो किसी धातु की क्या कर लेना, छड़, और इसमें कोई एक विलयन बना दे। और आपने यह पढ़ा होगा कि जिस धातु की छड़ लेंगे उसी धातु का क्या करना होता है, विलयन बनाना होता है, ठीक है, आया समझ में इतना। अब क्या करना है, बोला गया कि जब किसी वैद्युत अपघट के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब इसमें क्या प्रवाहित किया जाए, विद्युत धारा, और विद्युत धारा प्रवाहित कब होगा, जब इसको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा तार के द्वारा, और इसमें क्या फ्लो होगा, तब करंट फ्लो होगा, तो उसके प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, वह इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित वैद्युत अपघट के स्तंभ, मतलब यह जो आपका दोनों स्तंभ है, दोनों स्तंभ की लंबाई यल के क्या होता है, अनुक्रमानुपातिक, और प्रतिरोध आर स्तंभों की लंबाई यल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, इसको समीकरण नंबर एक कर लेंगे। फिर उसके बाद बोला गया कि के अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल ए के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो को मिला के लिखना है, तो लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो को मिलाने पर, समीकरण एक व समीकरण दो से जब समीकरण एक और दो को मिलाएंगे, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L मल्टीप्लाई 1/a हो जाएगा, और यहाँ से जब प्रोपोर्शनल का साइन यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना होता है, और मान लो कि यहाँ पे जो कांस्टेंट हो क्या आपका रो है, और यहाँ पे L का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो L अपान कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। और बोला जाएगा कि जहां रो रो अनुक्रमानुपाती, इसको क्या पढ़ेंगे, तो रो पढ़ेंगे, बोलेंगे जहां रो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो, मैं आपको विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनेशन बता दूं, पहले इतना आपको इस पे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आपको बताएं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आगे, मैं विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनेशन आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले अभी आपको फॉर्मूला निकल के आया, आर बराबर रो यल अपान ए, यह फॉर्मूला निकल के आया। और अगर यहाँ पे यह जो आपका यल की वैल्यू है, यानी कि जो स्तंभ की लंबाई यल है, यल का मान लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर है, और यह जो क्षेत्रफल है,
क्षेत्रफल या जो कैपिटल ए है इसको मान लिया जाए कि एक वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, या कह सकते हैं कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर या एक वर्ग सेंटीमीटर आयतन में। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर इसका डिफिनेशन अगर हम लोग करेंगे तो बताओ जब यहाँ पे एल की वैल्यू एक हो जाएगी, ए की वैल्यू एक हो जाएगी, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा रो, आर बराबर किसके, रो के। तब बोलेंगे कि एक सेंटीमीटर लंबाई, एक सेंटीमीटर लंबाई तथा एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले, एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ परिच्छेद, या एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक, अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक का प्रतिरोध, का प्रतिरोध, प्रतिरोध किसमें होगा, ओम, प्रतिरोध ओम में उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। आया समझ में, यह तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। और मैंने बोला कि जो आपका स्तंभ है उसकी लंबाई एल बराबर एक सेंटीमीटर मान लिया जाए और जो क्षेत्रफल वर्ग एक वर्ग सेंटीमीटर मान लिया जाए, तो बताओ यह आर बराबर किसके हो जाएगा, रो के। तो वही तो मैंने लिख दिया कि एक सेंटीमीटर लंबाई तथा एक सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध, उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। चीज़ें आपको फाइनली समझ में आ गई होंगी, इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हेडिंग बनाएगा विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व किसे कहेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व हेडिंग बना लीजिए, ठीक है। विशिष्ट चालकत्व, अभी हम विशिष्ट चालकत्व यानी कि क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकत्व किसे कहेंगे, ठीक है। विशिष्ट चालकत्व किसे कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने बताया आपको विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, और इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। मैं लिखूँ यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, और इसे इसे कप्पा, इसे कप्पा से प्रदर्शित, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं,
इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ, और जहां रो क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, आया समझ में, विशिष्ट प्रतिरोध। और यह जो कप्पा होगा इसको क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकत्व कहेंगे, विशिष्ट चालकत्व यहां पर लिख देते हैं, चालकत्व, ठीक है। या लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू 1/ρ कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, ऐसे समझ में, ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद क्या करना है, लिखना कि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अभी पिछला वाला फॉर्मूला पढ़े थे ना, आर बराबर रो एल अपान ए। अगर मान लो हमको यहाँ से रो की वैल्यू निकालनी है, तो रो बराबर 1/ क्या हो जाएगा, कप्पा हो जाएगा, रो बराबर 1/ कप्पा। तो बताओ यहाँ पे आपको पता है, यह भी फॉर्मूला आपको पता होगा कि यह जो आपका आर होता है, आर बराबर 1/ सी, या आप यह पढ़े होंगे कि यह जो आपका विलयनों का जो चालकत्व था, C बराबर बोला गया था 1/r, यानी कि यह जो आपका r बराबर करेंगे तो 1/ कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, यानी कि r की जगह पे 1/c रख सकते हैं, रो की जगह पे 1/कप्पा रख सकते हैं, और मल्टीप्लाई हो जाएगा यल अपान ए हो जाएगा। आया समझ में इतना, कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं आगे। अब अगर आपको यहाँ से कप्पा की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम कप्पा निकालेंगे तो कप्पा को लेते जाए इसकी जगह 1 की जगह, और सी को लेता है 1 की जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई एल अपान ए हो जाएगा, आया समझ में। और लिखेंगे कि जहां कप्पा क्या है, जहां कप्पा विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व सी चालकता यल लंबाई, इलेक्ट्रोडों की लंबाई, ए का मतलब हो गया इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। नोट करिए। और एक चीज मैं बता दूं इसमें इंपॉर्टेंट, कि यह जो आपका कप्पा होगा ना, कप्पा का मात्रक यहां से निकालना, कप्पा का मात्रक 1/ यहां पे देखो कप्पा इक्वल टू 1/ρ है, यानी कि कप्पा का मात्रक बराबर 1/ρ का मात्रक। तो आपको पता है कि जो रो का मात्रक होता है, रो अभी आपने निकाला होगा ना, यहां पे जब लिखे थे आर बराबर, देखो यह फॉर्मूला लिखे थे आर बराबर रो एल अपान ए, अगर यहाँ से हम लोग रो की वैल्यू निकालते तो रो बराबर हो जाता आर मल्टीप्लाई ए अपान यल, ठीक है। तो रो बराबर जब करेंगे तो आर का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, और ए का मतलब हो जाएगा क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर अपान मीटर। तो बताओ यहाँ पे यल कैंसिल हो जाएगा, तो रो का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर, आए समझ में, ओम मीटर। तो अगर यहाँ से कप्पा का मात्रक निकालेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, ओम मीटर, क्या हो जाएगा भैया, ओम मीटर। और अगर कप्पा इक्वल करें कप्पा का मात्रक बराबर, तो यह आपका जो 1/ में ओम मीटर है, यह ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, यह कप्पा का मात्रक हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से।